हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक एप्पल का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है A2337। प्रॉब्लम क्या है इसमें, हम मशीन ऑन करते हैं तो हमारी मशीन ऑन नहीं हो रही है। इसमें हम चार्जर भी लगा रहे हैं, ये आप देखोगे हमारा चार्जर सी टाइप का, इसमें चार्जर होता है। आजकल जो मशीनें आ रही हैं सभी में सी टाइप कर दिया है, मोस्टली लेनोवो डेल एचपी सभी में, एप्पल के भी जो भी अब मॉडल आ रहे हैं सभी में सी टाइप चार्जर हो गया। इसमें दो दो पोर्ट दिए हुए हैं, हमने दोनों पे लगा के देखा है पर ये चार्ज नहीं कर रहा है, मशीन ही ऑन नहीं कर पा रहा है। नया चार्जर भी लिया है कस्टमर ने तो नए चार्जर पे भी लगा के हमने देखा है तो उससे भी ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो किस चीज की प्रॉब्लम होती है, इसमें मदरबोर्ड की भी इशू होता है, मदरबोर्ड की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। डीसी जैक वगैरह नहीं खराब होते हैं, इसमें क्या होता है चार्ज जो इसका सी टाइप के पास जो सी टाइप की आईसी होती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती क्यों है, ये प्रॉब्लम मोस्टली आती है लिक्विड डैमेज वगैरह हो जाए या हमारे बोल्ट ऊपर नीचे हो जाए पावर के, उसकी वजह से ये डेड जैसी प्रॉब्लम जो डेड हो जाती है मशीनें उनकी उन चीज़ों से ये प्रॉब्लम आती है। और हमारा ये जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं मोस्टली हमने देखा है इनमें केस जो आते हैं वो लिक्विड डैमेज के आते हैं, कुछ पानी गिर जाता है, कुछ भी गिर जाता है, इस टाइप की वजह से हमारे एप्पल की मशीनें खराब होती है। जैसा कि आप देखोगे बिल्कुल नया लैपटॉप है, इसमें प्रॉब्लम वही आ रही है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो कस्टमर ने बताया था इसमें कुछ लिक्विड वगैरह पानी वगैरह चला गया था जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसकी यदि हम बात करें कि ये परफॉर्मेंस वाइज कि ये कैसे लैपटॉप होते हैं एप्पल के, एप्पल का A2337 जो मॉडल है अच्छा मॉडल होता है, रेटिना डिस्प्ले है इसमें 13 इंच में, बहुत स्लिम सी मशीन होती है, बहुत अच्छी प्यारी फास्ट मशीन होती है, 256 GB SSD में ये आती है, 8 GB रैम है, i5 इसमें प्रोसेसर होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से भी अच्छी मशीन होती है। और ग्राफिक वगैरह के काम यदि आपने करने हैं तो एप्पल के लैपटॉप में बहुत अच्छे से ग्राफिक के काम होते हैं और ये नॉर्मल यूज में भी मशीन अच्छी चलती है। जैसा कि वर्ड डॉक्यूमेंटेशन, ये जो एक लैपटॉप है किसी पुलिस वाले का है, उनका काम भी यही है कि वर्ड वगैरह इन्हें फाइल वगैरह केस वगैरह की फाइल बनाने होते हैं, तो उस टाइप में भी एप्पल के लैपटॉप बहुत बेस्ट होते हैं। इनका जो आपका विजुअल का स्टाइल होता है वो बहुत अच्छा, डिजाइन वगैरह जो इनका होता है बहुत अच्छा होता है, इस टाइप में ये लैपटॉप बड़े अच्छे होते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। यदि हम कॉस्टिंग की बात करें एप्पल लैपटॉप क्या रेट होता है, जैसा कि आप ये देखोगे नया लैपटॉप है ये 2337 जो मॉडल का नया लैपटॉप जो ये खरीदा गया है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका 99,900 का इस पर प्राइस रेट है और ये 95,000 रुपए का कस्टमर को पड़ा है। तो यदि आपको लैपटॉप चाहिए तो पुराने लैपटॉप सूरज कंप्यूटर्स पर एप्पल के बहुत आए हुए हैं, 1466 मॉडल है, 1278 मॉडल है, इस टाइप में मॉडल जो लैपटॉप के आए हुए हैं अच्छे अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 1278 का जो मॉडल है वो आपको मिल जाएगा, आपको ये 14.5 इंच में हमारे पास लैपटॉप आया हुआ है एप्पल का, 128 GB SSD है और 500 GB उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, i5 है और 8 GB रैम में आपको बहुत ही अच्छे रेट में दे देंगे, ये 18,000 से 20,000 रुपए का रेट मिलेगा आपको इसका। और आपको 1466 में यदि चाहिए, 1466 एक बिल्कुल स्क्रैचलेस मशीन आपको मिल जाएगी, i5 है, 2017 मॉडल है, 8 GB रैम है, 128 GB SSD है, 32,000 रुपए में आपको बहुत ही अच्छे रेट में आया हुआ है, इससे कम रेट कहीं आपको नहीं मिलेगा, 32,000 रुपए में बिल्कुल नए जैसी एकदम कंडीशन आप कहीं पे भी दिखवा सकते हैं, खोल के मदरबोर्ड की बैटरी ओरिजिनल सब कुछ एकदम एक्यूरेट ओरिजिनल मिलेगा आपको उसमें, तो आपको बहुत अच्छे रेट 32,000-30,000 रुपए की रेंज में आपको ये 1466 मिल जाएगा। यदि आपको इसमें इससे अच्छा मॉडल 2337 मॉडल है ये चाहिए, ये भी आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा, नए की वैल्यू उसकी 95,000-96,000 रुपए है, तो आपको सूरज कंप्यूटर्स पर वो लैपटॉप 35,000-40,000 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। यदि आपको चाहिए तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर आ सकते हैं, सूरज कंप्यूटर्स के पास जो जो लैपटॉप आए हुए हैं बड़ी अच्छी कंडीशन में, आप उन्हें कहीं भी दिखवा लेना, ओरिजिनल मदरबोर्ड है, ओरिजिनल रैम है, SSD है, बैटरी सब कुछ ओरिजिनल है और बिल्कुल अनटच है, आप देखोगे धूल का भी और बिल्कुल नए, कोई इसमें रिपेयरिंग वगैरह का कोई काम नहीं है, सब बिल्कुल अनटच लैपटॉप आए हुए हैं। यदि आपको चाहिए तो अच्छे अच्छे रेट 30,000 रुपए, 32,000 रुपए, 40,000 रुपए में आपको बिल्कुल लेटेस्ट लैपटॉप जो 1-1.5 साल पुराने लैपटॉप है वो आपको मिल जाएंगे, आप सूरज कंप्यूटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस लैपटॉप को रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे मदरबोर्ड में इसमें क्या होगा, आपको अगली वीडियो में इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसके मदरबोर्ड में किस सेक्शन में प्रॉब्लम थी और ये किस प्रकार आप इससे प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट इस टाइप का देते रहेंगे, आप हमें फॉलो करें, धन्यवाद।